लीजिए बीनो, क्या बनना चाहिए? भगवान बल कर देगा। देखना कितना टफ काम है यहाँ चढ़ना। क्या कर रहे हो तुम, छत में पानी क्यों डाल रहे हो? हाँ थर्ट बोल रही हूँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:10 से, और माताश्री लोग हमारे कर रहे हैं भोजन ग्रहण। माताश्री से मिलवाई देते हैं आज, तो जिनसे खैर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी माता जी की, हुई तो होगी बीच में लेकिन मुझे लगता कि हुई नहीं है। ओहो हो मैं उधर से वो एक सेकंड, ये रही हमारी माता जी जो कि दिख नहीं रही है। एक सेकंड लाइट जलाते हैं थोड़ा सा सुना जा रही हूँ। ये रही, नमस्कार, हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। तुम भी ठीक से? हम तो, आप भी ठीक बोले, हम भी ठीक से। और आज ना ब्लॉग शुरू कर दे सोनम रावत। बस ये तो क्यों पूछे, बस पहुँच। मेरे बाल खुल गए मेरे यार, दोबारा बंधने पड़ेंगे इनको। और अभी भाई भी नाश्ता कर रहा है वहाँ पे, सिस्टर भी मेरी नाश्ता कर रही है अंदर बैठ के वहाँ पे। उसको वो कम दिखाती हूँ क्योंकि वो व्लॉग में आना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी बहन को नहीं दिखाती हूँ व्लॉग में, तो कमी आना पसंद करती है वो व्लॉग वगैरह में। इसलिए जब हाँ कहीं घूमने वूमने जाना होता है तब आ जाती है, तब तो मैं बोल ही देती हूँ उसको कि अब आ जाए व्लॉग में, अकेले मैं क्या ही बनाऊँ, तो तब तो वो व्लॉग में शामिल हो जाती है। लेकिन अभी घर में नहीं, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन कभी ऐसा दिन होगा कि जब पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी, जब बोलती है कि फ़ोन अच्छा होगा तेरे पास तभी आऊँगी, तब तक नहीं आऊँगी जब तक फ़ोन अच्छा नहीं होगा। खैर चलते हैं अभी और अपने ऑफिस का काम भी निपटा के फिर आके मिलते हैं आपसे। आऊँगा पर ऑफिस में। हेलो गाय माता, आ जाओ। स्कूटी दे के नहीं चलेगी, और नीचे उतार के कर। मुझे उसने पता नहीं कैसे करी, फिर उसने करी कहाँ, वो पैदल गए थे हम उस दिन। कहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं? दादाजी के लिए ले लिया हमें बीड़ी माचिस सब, चलते हैं घर की ओर। लीजिए बीड़ी, दादा ने दूध पिया होगा ना, दूध लगा रखा अपने मुंह पे सारा। तो चलो अलमारी में रख देते हैं यहाँ पे। माचिस तो अपने घर ही लेके जाऊंगी मैं, यहाँ पे ना दादा के लिए एक माचिस रहनी है, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ही माचिस रहेगी बस, बाकी बीड़ी रख देते हैं यहाँ पे। दादा की सारी बीड़ियाँ खत्म हो गई हैं, सारी। दादा पीते कम है, फेंकते ज्यादा, आधा आधा करके। चलिए इनको रख देते हैं। माचिस छेंचो, माचिस है? माचिस, बाकी माचिस अपने घर पे लेके जा रही हूँ मैं नीचे। तो ये रहे, हम आ गए हैं ऑफिस से। ये दादाजी, दादाजी हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो नमस्कार, नमस्कार ते कन्मा बुन, आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद 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 इन कर दे इन, हाँ सबको आशीर्वाद, सारे YouTube फैमिली को आशीर्वाद, आशीर्वाद, हाँ मेरा आशीर्वाद है कि सबके लिए। तो दादाजी को बीड़ी माचिस दे दी, ठीक है? अच्छा। दादाजी बीड़ी इतना पीते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पियेंगे फिर उसको फेंक देंगे, थोड़ा थोड़ा पियेंगे फिर फेंक देंगे। इतनी टेंशन रहती है दादा को कि अभी मैं सीधा ऑफिस से आके यहीं पे आ रही हूँ, और मुंह की हालत ऐसी हो रही है ना, सच में मेरी हालत खराब हो रही है इसलिए, क्योंकि देखो सूजन भी आ रही है क्योंकि हल्की हल्की, और पता नहीं मुंह अजीब सा हो रहा है क्योंकि उसने कच्चा वो कर रखा अभी, तो उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में पता नहीं क्या ही भरा पड़ा है मेरे, तो उसको निकालने का मन कर रहा है मेरा। पर उन्होंने बोला कि 5 दिन तक ऐसे ही रहने देना, 25 तारीख को मुझे दोबारा जाना है दिखाने के लिए, तो करवाना तो पड़ेगा ही।
दादाजी का पानी चेंज कर देते हैं। दादाजी बहुत ठंडा पानी पीते हैं, पता नहीं क्यों, क्या ये ठंडा ही तो है, इतना ठंडा पानी, ठंडा है ठंडा। हाँ पता चल गया ठंडा ही ठंडा ही चुवर। तो देख लेती हूँ पानी की बोतल तो भर के रखी हुई है। चलो मैं चलती हूँ नीचे, थोड़ा मुंह हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा इधर उधर टहल लेते हैं। क्या बनना चाहिए? भगवान बल कर रहेगा केक अंकिता का कल है, ये बीड़ी लाया होता था। हाँ बीड़ी मैं लेके आई लेकिन मैंने अंकित का नाम लगा दिया। चलो अच्छा है, मेरे कारण उसका भी भला हो जाएगा, है ना, भाई का भला हो, भाई सबका भला हो जो दादा के लिए बीड़ी लेके आता है। तो फ्रेंड ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं घर, और मैं जा रही हूँ बरखा रानी और के घर में। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग ऊपर छत में जाके। ए बाप रे यार, सब बिल्कुल पिंकी बनी हुई है। चलो चलते हैं, देखना। ए फिर तूने आई माइक खराब हो जाता, मैं ये पानी गिरा रही हूँ ऊपर छत से, देखना कितना टफ काम है यहाँ चढ़ना। क्या कर रहे हो तुम छत में पानी क्यों डाल रहे हो? हाँ छत बोल रही हूँ, छत ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, तुम्हारी ये चीजें निकल जाएंगी, ये जो लगा रखी तुमने खराब नहीं होगी, है खराब जाएगी। आज हमारे उधर धुंध क्यों हो रखी है, मुझे लग रहा है ठंडियों का मौसम आ गया ना, है ना, है ना बरखा, मुझे लग रहा है ठंडियों का मौसम आ गया। बरखा आजकल बहुत हीरोइन बन के घूम रही है। यहाँ से देखो वो हमारी ताई जी का घर, इधर ये हमारा घर। अरे सूरज ढक गया यार, वो दिखाने तो आई थी मैं, देखो मैं यहाँ से चढ़ती हूँ, देखो इनके घर में बड़े, जिसने पहले बहुत पहले बनाया होगा ना कि सोच समझ के बना रही है, देखना सीढ़ी कैसे कैसे बना रही है, कैसे कैसे बना रखी है, यहाँ से व्यू देखना ये। ओ बाप रे, बड़ी कामकाजी लड़की है ये तो, है बहुत कामकाजी लड़की है भाई, क्या फायदा, पहले उसमें पानी डाला फिर वाइपर से साफ कर रही है, क्या फायदा बाबू, अरे सूख जाएगा, कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ, डाल दो पानी। तुम्हें किसने बोला पानी डालने के लिए? रोज डालते हो, ठंडा होता है, कहीं नहीं होता ठंडा, और गर्मी हो जाएगी। देखो बरखा को अच्छा, हाँ ये ऊपर रहता ना ऊपर वाले, ये इसके नीचे एक कमरा है वहां रहते हैं ये लोग। तुम्हारा बीच वाला रूम तो ठंडा रहता है, तो वहां सोया करो ना। तो बरखा लोगों की छत पे आ रखी हूँ मैं, और यहाँ से ना व्यू काफी अच्छा आता है, और प्लस ना यहाँ पे से जो ये बगीचे दिख रहे होंगे आपको सामने, ये देखना बिल्कुल नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक, और ये दुमंजिला है ना इसलिए यहाँ से सारी चीजें दिख जाती है, और तुम्हारे तो सही है यार, ईजी हो जाता होगा इनके लिए आंवले वगैरह तोड़ने के लिए। अनुभव कहाँ जा रहा है? देखो इनका ये नीचे वाला हुआ है जहाँ से ये हमारे घर को देखते हैं, मतलब हम देखते हैं अपने घर से, इनको इधर से बुलाते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला टॉप वाला व्यू है। बरखा हाय कर दो, से हाय। हाय। हेलो फ्रेंड्स बोलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? तक घूम क्यों गई? उधर उसकी बड़ी वाली दीदी बैठी हुई है, अभी तक ये पता क्या कर रहे थे, पानी डाल रहे थे कि गर्मी होती है नीचे, तो पानी डालने पर लगे हुए, तो दोनों बहन मैं कह रही हूँ इनके पानी भर गया, क्या पानी भर गया तुम्हारा, तो तुमने तो मोटर नहीं चला रखी, चला रखी है अच्छा, ये बड़ी वाली टंकी से निकाल रहे थे, निकाल कैसे रहते, तुम्हारी तो हाइट भी नहीं है इतनी, अच्छा चीयर लगा के। देखो इनका जुगाड़, चीयर लगा के और दो दो जग से डाल रहे थे, इतनी बड़ी टंकी है वो कहाँ चढ़ पाएंगे इसमें, तो मैं खुद ही नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं तो खुद ही नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि हाइट का रखी ना, देखो यहाँ भी कर रखा है फिर ये भी कर रखा है साथ में, इसलिए ऊपर से टंकी भी बड़ी है, ऊपर से तुम छोटे हो गए बच्चे, तुम तो कतई ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही होगी, अच्छा। और यहाँ से देखो हमारा घर का व्यू भी दिख रहा है, ये देखिए हमारा घर,
आशियाना है ये हमारा आशियाना। पहले ये बरखावर का घर है, फिर हमारा घर आता है, फिर हमारी ताईजोर का घर आता है, फिर वो पहाड़ पर्वत आते हैं। देखो है ना बरखा, कैसा लगता है यहाँ से? अच्छा लगता है ना? हाँ। मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ से। उसके भाई को देखना वहाँ उधर खेत में, अगर दिख रहा होगा कोई तो उधर देखना, वहाँ देखना। पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे ताऊ जी और मेरे भाई का डिस्कशन, पता नहीं क्या चल रहा है। ताई जी, ताऊ जी और भाई पता नहीं क्या सोच रहे हैं, शायद शादी के टेंट के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी टेंट थोड़ी लगेगा, इतना छोटा सा है हमारा। तो व्यू दिखा देते ना एक बार आपको इधर का, है ना, अच्छे से देखो। ओ मेरी माटी, ओ मेरु पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरु गाँव, ओ मेरु घर हे माँ। लेकर तुम ऐसे जा छत में लेटते हो क्या तुम लोग? पर इनकी सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है यार, नीचे जाने में तो डर लगेगी पूरी। बड़ी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं तुम्हारी तो। मेरे ख्याल आराम से चाहिए, ये बाप रे सीढ़ियाँ से पढ़ के मतलब बैठ बैठ के जाते। सीढ़ियाँ हैं इनकी बड़ी खतरनाक वाली। बरखा मत करो पर नीचे मो। अनुभव कहाँ घूम रहे हैं? इस वाले रूम में रहते हैं इसलिए इनको इतनी गर्मी होती है। ठीक है, इसके नीचे वाले में आराम से आना। लमने पकड़ने ला पकड़ू। बरखा तो डर नहीं लग रही। टाटा बाय 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 बरखा बाय 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 बाय। चलो ये देखिए, यहाँ से बोल रही थी मैं, ये रहा अनुभव, आगे ये भी खिल गया। ये देखिए हमारा घर, हम चलते हैं अपने घर की ओर, फिर मिलती हूँ मैं आपको वहीं पे। तुम दोनों ने बड़े दिनों बाद दिख रहे हो तुम। चले गए चीनू और क्या है? दोनों चीनू है ना। तो फ्रेंड इस व्लॉग को रखेंगे इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अब तक के लिए बने रहिएगा सोनम रावत व्लॉग्स के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने।